कस काय ओपन केलं मी. अरे गण घाण गणले. बघ 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 बघ, रिटर्न नको जाऊ, रिटर्न नको जाऊ. हे बॉय, हे कडक माग घेऊन जा जमलं तर. फिनिश कर. तुझ्याकडे हॅक बी घे काय, कसला खतरनाक मारतोय. आई शपथ ऑल डेड. ओ भाई ऑल डेड. अरे भाई साहब तुला कुठं मारला, तुला कुठं मारला. अरे बाय बाय टाटा गुड बाय गया. साले कुत्तों की जिंदगी. तो यार मेरे भाइयों क्या हाल चाल है. अब मैं देखो वापस आ चुका हूं एक ब्रांड न्यू गेम प्ले के साथ. लेकिन गेम प्ले चालू करने से पहले मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देनी है. अब देखो आप में से 71.6 ऐसे बंदे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है. तो भाई ऐसा क्यों यार, एक बार बस अगर आप उनमें से हो तो बस एक बार नीचे जाके वो सब्सक्राइब का जो रेड कलर का बटन है उसको ग्रे कलर का कर दो. मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई. ठीक है, ये बात हुई नॉट सब्सक्राइबर, मतलब जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया और वो देख रहे हैं. अब देखो अपने चैनल पे कुछ ऐसे भी बंदे जिन्होंने भाई जो घंटा होता है ना वो घंटा ऑन नहीं किया है. तो यार मेरे उनसे एक ही अनुरोध रहेगा कि गाइस प्लीज आप एक बार अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो देख लेना कि आपने घंटा बजा है कि नहीं, क्योंकि यार यूट्यूब वाले आजकल नोटिफिकेशन भेजते नहीं है. तो इसलिए अब घंटा मतलब सजेशन में आता नहीं है वीडियो, तो घंटा दबा हुआ है तो कैसे डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे अपलोड का जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ. ठीक है, तो बस मुझे आपको यही कुछ बताना था. अब चलिए बिना कोई फालतूगिरी करे आज के गेम प्ले की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, तो अब देखो आज के गेम प्ले में मैं जा रहा हूँ जॉर्जो पूल में, क्योंकि प्लेन पाथ से सबसे बहुत जल्दी आने वाला प्लेस यही था. तो हम यही डिसाइड करते कि हम जॉर्ज पूल उतरेंगे. अब देखो जॉर्ज पूल में ऐसा मुझे लगा था कि बहुत सारे स्क्वाड आएंगे, पर आता है बस एक ही स्क्वाड और एक बंदा जो कि पता नहीं क्या उसको हो रहा था. वो भाई लेट लैंडिंग होती है. अब देखना यार जो सामने वाला कंटेनर है उधर एक स्क्वाड जाएगा और जहाँ पर मेरा उसमें एक बंदे की लेट लैंडिंग होगी. अब देखना उसको कैसे ही भरते हम लोग. अच्छा हमको सिखा रही है. अच्छा भाई मतलब उसके क्या ही खराब लगा होगा. देखो उसको खराब लग रहा है. अब देखो इस सामने वाले जो कंटेनर से मुझे दो बंदे दिख गए थे, लेकिन यार मेरे पास इतनी एमो नहीं थी कि मैं उनको भी खत्म कर पाऊँ. और जो राइट साइड वाला वेयरहाउस है उसमें भी एक बंदा है, मुझे उसके भी खत्म करना था. तो मैं सबसे पहले इसको खत्म करता हूँ, क्योंकि उसके पास M4 थी और यार M4 तो मुझे लेनी थी. अब देखो इसको ऐसा लग रहा होगा कि इसने उसका नाम YouTube XTX रखा है, इसलिए मैं उसको गुद्दों से मार रहा हूँ, मुक्कों से मार रहा हूँ. लेकिन उसको नहीं समझ रहा है कि तुम्हारे भाई के पास गन नहीं है, गन चाहिए, इसलिए मैं इसको मार रहा हूँ. अब देखो लेफ्ट साइड से थर्ड वेयर हाउस के साइड में मुझे एक बंदा अभी दौड़ते हुए दिखेगा. तो यार थोड़ी बार गोलियां तो उसको लग चुके, अब बस इंतजार इतना है कि कब जाके उसको खत्म करो. ठीक है, अब जाता हूँ उसको खत्म करने के लिए और स्टार्टिंग में थोड़ा उसको बेट करता हूँ कि वो बाहर आ जाए, इसलिए मैं उसको ऐसा करता हूँ और वो बाहर आ भी जाता है और इजीली मैं इसको नॉक कर देता हूँ. ठीक है, अब देखो वो उसने एक नेड किया था तो नेड को बचने के लिए मैं सेकंड वाले कंटेनर में आ चुका था. अब देखो इसको फिनिश करने के बाद मुझे मेरे टीममेट्स बताते कि भाई फर्स्ट जो कंटेनर से वहां पे बग्गी आ चुकी है. ठीक है, लेकिन यार आपका भाई वहां पहुंचते थोड़ा लेट हो जाता है और
ये लोग साले मिलके सबको मार रहे हैं, तो मैं बस नॉक वालों को फिनिश डाल देता हूँ, किसी और कुछ बचा ही का है। अब देखो इसके बाद तो आसपास कोई दिख नहीं रहा था मुझे, तो यार सीधा अभी मैं इधर लूट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो गाइस एंडिंग में यार ये जो गेम प्ले है ना, उसमें मैं अकेला ही बचने वाला हूँ, सोलो से स्क्वाड सिचुएशन होने वाली, तो वो तो हो गया, आप एंड तक जरूर देखना वीडियो को। तो देखो यहाँ पर तीन नंबर वाले बंदे को एक बंदा सामने से नॉक कर देता है, ठीक है। अब मैं उस पर सीधा अंदर चढ़ देता हूँ, मुझे क्या पता था कि वहाँ के एक के अलावा वहाँ पे दो दो बंदे हैं। देखने अब देखने यार मैं उनको क्या ही भरता हूँ खतरनाक। अब देखो पहला वाला जो बंदा था वो पता नहीं किस दुनिया में था, लेकिन दूसरे वाले ने मेरे पे फायर करने का ट्राई किया, लेकिन मैंने उसको फायर करने दिया, वो बात तो अलग है। देखो यहाँ पे एक बहुत फनी सीन होने वाला है भाई, यहाँ पे दो बॉट फायर कर रहे होते हैं, तो यार अब दो नंबर में मुझ में लड़ाई लग जाती कि भाई कौन पहले बॉट को मारेगा। मैं इतना तेजी से भागता हूँ कि भाई मेरे को ही किल चाहिए, लेकिन अब देखो मैंने एक बॉट को मार दिया, तो भाई बॉट का किल ऐसा है यार सबको मिलना चाहिए, इसलिए यार मैंने दो नंबर को दूसरा बॉट मारने दिया। मैंने इसको नहीं मारा ऑब्वियसली, क्योंकि जाने अभी मेरे को बॉट को नहीं मारना है। तो अब देखो यहाँ से हम सीधा चलते हैं पोचिंग की में, क्योंकि यार बीच में मैंने बहुत टाइम पास किया, तो मैंने बीच का से कट कर दिया। अब देखो यहाँ पे नंबर तीन मुझे बोलता है कि भाई चर्च पे बंदे हैं, तो मैं वहाँ पे देख रहा था, मुझे बंदा दिख भी जाता है, थोड़ी फार टैप टैप फायर करने के नाकामयाब कोशिश भी करता हूँ मैं, लेकिन ऑफकोर्स होने वाला कुछ है। अब देखो मुझे लगा था तीन नंबर से मार्क लगा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तीन नंबर मार्क लगा के उस पर अकेले पुश करने जा रहे हैं। अब देखो अकेले पुश करने जाओगे तो भाई मैटर तो होगा ही, और मैटर हो भी जाते हैं, यहाँ पे तीन नंबर नॉक फिनिश हो जाता है, देख लो हो गया। तो भाई मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, भाई देखता हूँ कि उसको नॉक फिनिश किया, और मैं उस बंदे को इजीली मार देता हूँ, क्योंकि तीन नंबर ने थोड़ा फर एक दो टक्का उसको डैमेज दिया ही होगा। तो मैं जैसे ही उधर जा रहा था, मुझे पोचिंग से फायर आते, तो यार फायर आ रहे थे, इसलिए मैं थोड़ी देर इधर ही रुक जाता हूँ, और तभी मुझे वहाँ पे दिखता है एक और बंदा। तो यार मतलब जिन दो बंदों को मारा है उधर, उन दो बंदों पे बॉट ताव मारने आ गया था। तो बस भाई मैं गाड़ी लेता हूँ, निकल पड़ता हूँ इन तीन ही पेटलियों को लूटने के लिए, तभी मुझे कुछ पोचिंग की से फायर आते हैं। देखो यहाँ पर मैं एक मेरे को बंदा दिखता है, उसको मैं फिनिश कर देता हूँ, लेकिन जब यहाँ पे ये मैसेज आता है कि यू किल, तब मुझे पता चलता है कि भाई मेरे बंदे ने उसको फिनिश किया था। एक्चुअली मुझे पता था, वो सीन मैंने कट कर दिया थोड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था वो टाइम। देखो यहाँ से हम निकल रहे थे, तब भी हम पर कोई एक स्क्वाड फायर करता है। बात सिंपल सी थी, हम जोन के बाहर थे, इसलिए मैंने उनको कहा कि भाई जोन में आ जाओ, जोन के बाहर हमें फाइट नहीं लेने, क्योंकि उनको इवेंचुअली जोन में आना ही है, तो इसलिए हम सीधा निकल पड़ते हैं जोन में। अब देखो यहाँ पे होने वाला है सबसे खतरनाक सीन, दो स्क्वाड गाड़ी लेके हम पे चढ़ने वाले, और इस सिचुएशन से हम कैसे बचते हैं आप देखना ज़रा। अब देखो यहाँ पे आ गई है पहली गाड़ी, देखो मेरे दोनों टीममेट्स उनमें लड़ने चल जाते, एक को नॉक भी कर देता है। तो यार मैंने सोचा कि यहाँ से मैं जाके घूम के मारूंगा उनको, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आया, तब मुझे पता चला कि भाई लेफ्ट साइड में जो ऊपर मशरूम है, वहाँ पे पहले से ही बंदे हैं। देखो यहाँ पे मेरे फटके चार हो गए थे, तो यहाँ पे मैंने सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए एक को नॉक करने का सोचा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे नॉक दूंगा तभी मैं वहाँ पे फाइट करने के लिए जा पाऊंगा, मुझे टाइम मिलेगा, और वैसा होता भी है। यहाँ पे मैंने एक नॉक निकाल दिया, मेरे दोनों बंदे नॉक हो चुके, इसलिए मुझे वहाँ पे जाना था ही, मैं वहाँ पे जाता हूँ, और रिवाइव करने के बजाय मैं वहाँ पे फिनिश करना चाहता हूँ, मैं किसको नहीं चाहिए भाई। तो देखो उनका एक ही बंदा बचा है, इसको तो मैंने फिनिश कर दिया, लेकिन यार मेरे दो नंबर टीममेट्स भी फिनिश हो गया, तो यार सॉरी भाई, मुझे इसका पता नहीं था कि इसकी एचपी बहुत कम। देखो इस सिचुएशन में देखो वहाँ पे ऑस्टर पे बंदे हैं, लेकिन हमारे पे जोन नहीं है, और स्पेशली जोन जो मूव हो रहा था वो नो के साइड पे मूव हो रहा था। तो बात सिंपल सी है गाइज, इसे ऐसे टाइम पे ना सीधा जाके जोन में जाके ब्रिज कैंप कर लो, क्योंकि यार उनको तो जोन से मतलब आना ही है ब्रिज से, ठीक है। तो इसलिए ये डिसीजन मैं लेता हूँ, सीधा अभी हम गाड़ी उठाएंगे, और गाड़ी उठा के जाएंगे नोवो के ब्रिज पे कैंप करने के लिए, और ये मेरा जो डिसीजन था वो डेफिनेटली बहुत सही साबित होता है, क्योंकि यार ये बंदे आते भी है वहां पर। अब देखना,
देखो जैसे हम यहाँ पे ब्रीच पे आते हैं, थोड़े टाइम बाद टाइम पास करने के बाद मेरा गेम यहाँ पे तगड़ा रेंडर होता है, और तभी मैं पीछे देखता हूँ तो यार गाड़ी भी दिख जाती है। अब देखो मैं गाड़ी से कैसे बंदों को उतार दूँ भाई। मतलब पहले ये जोन का डैमेज खा के आ रहे थे और तभी उसको हेड ही हेड बजा दिया मैंने। मतलब भाई उसका तो नॉक होना तय था। देखो मैं एक नेड करता हूँ प्री नेड, हालांकि नेड वहां तक जाता नहीं और हम आगे आ जाते हैं। ये क्या पता एंगल मिल जाए। देखो गाइस यहाँ से तो कोई एंगल बन नहीं रहा था, इसलिए मैं थोड़ा पीछे आके एंगल बनाता हूँ। और अब देखना कि मुझे यहाँ पर एक लेफ्ट राइट साइड में कोपची में एक बंदा स्पॉट हो जाता है। और गाइस उसको तो मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं, तो उसको नॉक फिनिश कर देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होगा कि चार नंबर बंदा नॉक हो जाएगा, लेकिन यहाँ से एंगल नहीं बन रहा था। मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ एंगल बनाने के लिए, और वापस से मेरे लिए यहाँ सब एंगल बन जाता है। अब देखो गाइस इस गेम प्ले मैंने बहुत अच्छे अच्छे M4 के स्प्रेज मारे, तो यार आप वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो यार तब आगे। अब देखो मैंने चार नंबर को बचाने की बहुत ट्राई की, लेकिन जैसे मैं उसके पास पहुंचा यार चार नंबर मर गया। तो मेरी कुछ गलती नहीं है तो मैं सीधा बगी लेता हूँ और जोन में निकल जाता हूँ। और बुरी बात यह है कि जिस बंदे को मैंने नॉक किया था उसको रिवाइव तो मिल जाता है, लेकिन वो जोन से मर जाता है। अब देखो यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ा हिस्सा कट करके आपको सीधा बंदे पे लेके जाऊँ, क्योंकि बहुत बड़ी क्लिप थी वो, बहुत टाइम पास किया था मैंने उधर। तो देखो यहाँ पे मुझे घुसना हुआ वो सोया वो मिलता है। अब देखो यहाँ पे आगे होने वाला है मीटअप स्कैम। सामने वाला बंदा मेरे साथ मीटअप स्कैम करना चाहता था। अब देखो आपको दिखेगा वो, उसने सोचा होगा कि भाई जैसे ही मीटअप के लिए मैं बाहर निकलूंगा वो मेरे को मार देगा, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया गया, क्योंकि हमें भी थोड़ा फर दिमाग है, हमें पता है। एक तो हम इतने बड़े यूट्यूबर तो है नहीं कि भाई मीटअप करने लोग आएंगे। तो मैंने यहाँ पे संयम रखा, और जैसे ही वो जोन, मतलब उसने सोचा कि भाई वो उसका किल जोन को दे देगा, बहुत हो गया। और यहाँ पे हमने ले लिया इजी चिकन डिनर। बस आज के गेम प्ले में इतना था गाइस। आई होप सो कि आपको आज का गेम प्ले पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट और जय हिंद। बिना लाइक करें जाना मत सालों।